30 मिनट में 3,000 रुपये की कमाई, 40 मिनट में 4,000 रुपये की कमाई, कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, निवेश कम है लेकिन आपको अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा है, तो दोस्तों ये बिज़नेस आइडिया आपके लिए कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। पर आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस मशीन से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टेक्नोलॉजी पर आधारित है, पर ऐसी टेक्नोलॉजी दोस्तों जो गांव में, छोटे छोटे कस्बों में और शहरों में बैठा हुआ मेरा कोई भी दोस्त जिसने पढ़ाई ना भी की हो वो भी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है और अमीर बनने के रास्ते पर चल सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना, और अगर अच्छा लग रहा है तो अभी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, गर मिलो दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले नए नए बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिज़नेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिज़नेस कैसे करें का सुहाना सफ़र। दोस्तों टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है, और अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट का बिज़नेस करते हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो और ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी डिमांड कभी ख़त्म ना हो और वो बढ़ती ही जाए, मास कंजम्पशन का प्रोडक्ट हो, तो मैं समझता हूँ आपका बिज़नेस हर हालत में सक्सेसफुल रहेगा। तो ऐसी कौन सी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो मेरी नज़र में आई तो वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए मैं पहुँच चुका हूँ गुड़गांव की एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में जिसका नाम है हाइड्रोटेक, और मैं मौजूद हूँ आज उनकी पार्टनर, मार्केटिंग पार्टनर फर्म जो है विजिटेक, उसमें मेरे साथ मौजूद हैं विजिटेक के ओनर मिस्टर संजय सैनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। नमस्कार शैलेश जी, स्वागत है आपका विजिटेक और हाइड्रोटेक दोनों में ही। थैंक यू सो मच संजय जी। अब मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि ये दो कंपनियां कैसे हैं, हाइड्रोटेक और विजिटेक, उसके बाद मैं पूछूंगा कि क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये दो शरीर और एक आत्मा है। हाइड्रोटेक हमारी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो प्रोडक्ट्स को बनाती है, हम उसको हम बढ़ाते हुए हमने विजिटेक के अंदर सेल करने का जो काम है वो सारा का सारा बनाया है। क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो मेरे दोस्तों को आप दे सकते हैं? सर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, मैं ये बात आपने जो अभी बोला जैसे कि कोई एक ऐसा बिजनेस जो कि सबके काम आए, या कोई ऐसी चीज जो हर कोई इस्तेमाल करता हो, अगर उसके रिलेटेड अगर आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस लेकर के आते हो तो वो मार्केट में काफी तेजी से चलती है। उसी तरीके से जो हमारी जो सर्विसेज हैं वो मैं आपको बताऊंगा सर, हम लेकर के आए हैं आपके इंजन से रिलेटेड। अब वो इंजन आपके बाइक का भी हो सकता है, आपकी गाड़ी का भी हो सकता है, आपके ट्रक का भी हो सकता है, जितना बड़ा इंजन जो रोड के ऊपर चल रहा है, हम हर तरह के जो भी आपके व्हीकल्स हैं, वो आपके लोडिंग व्हीकल्स भी हो सकते हैं, वो आपके पर्सनल व्हीकल भी हो सकते हैं, वो आपकी बाइक्स भी हो सकती है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर्स, जितना भी है उनके रिलेटेड हम आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज जो हमारी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि बाइक्स, मोटर बाइक्स, कार, ये तो हर कोई इस्तेमाल करता है, यानी कि मतलब कोई ऐसा बिजनेस जो हर आदमी की ज़िंदगी को टच करता हो कहीं ना कहीं, वो आप देने वाले हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिक होकर बात करूं तो क्या ये कोई मशीन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं? सर हाँ बिल्कुल, एक मशीन है और एक ऐसी मशीन जो आज के दिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि ऑटोमेटिकली सारा काम करती है अपने आप से ही, उस मशीन के अलावा जो वो मशीन वो काम कर रही है, ठीक है, उसके बाद आपको किसी दूसरे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी रिक्वायरमेंट हर उस इंसान को है जो गाड़ियां चला रहा है या बाइक चला रहा है, हर कोई उस चीज़ की ज़रूरत रखता है। तो मतलब ये है कि एक मशीन स्टैंड अलोन बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है, मतलब उसके साथ में और चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी फैक्ट्री या कोई बड़ी वर्कशॉप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं बिल्कुल, कोई बड़ी वर्कशॉप या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चीज़ ही ऐसी है कि आप वन मैन आर्मी हो। तो ये जो मशीन जिसकी आप बात कर रहे हैं इसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन होंगे? सर अगर मैं कैलकुलेशन करके बताऊं तो करीबन आप ये मान कर चलिए कि अगर एक आदमी अच्छे तरीके से मार्केटिंग करता है, देखो बिजनेस करना
जो सामने वाले पर डिपेंड करता है। हम तो उसे एक तरह से एक वेपन देंगे जिसको तेजी से वो खुद चलाएंगे। तो जितना अच्छे से अगर बिजनेस चलता है तो आप ये मान के चलिए कि महीने का आप 1-1.5 लाख रुपए के बीच में अर्निंग करते हैं। और जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल अभी बताने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल हम बात करेंगे उसके ऊपर कि किस तरीके से वो चीज़ पॉसिबल है। अब चूंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो क्या ऐसा तो नहीं कि जो मेरे दोस्त गांव देहात में रहते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या वो इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या इससे बिजनेस कर पाएंगे? बिल्कुल सर, 100%। जो हमारी मशीन है उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक सारी कंपनी जो ट्रेनिंग्स हैं वो सारी की सारी कंपनीज प्रोवाइड करती है, जितना भी हमारा आपको एजुकेशनल मॉड्यूल है वो सारा का सारा कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। आज के दिन टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो गई है कि आप वीडियो कॉल्स पर आ करके, आप वीडियो सेशंस लेकर के, वीडियोस लेकर के आप अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि उसे किस तरीके से यूज़ करना है। तो इसमें सर मैं ये नहीं बोलूँगा कि देहात का हो चाहे वो शहर का हो, इसमें हर कोई काम कर सकता है। वो कौन सी मशीनें मैं बताने वाला हूँ, लेकिन पहले मुझे बताइए कि मार्केटिंग कैसे करेंगे वो? मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे, उससे पहले हम जिक्र करते हैं मार्केट का कि इस प्रोडक्ट की मार्केट क्या है या किस तरीके से। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, सर आप अभी आप कौन सी गाड़ी में आए हैं? मैं अभी पोलो में आया हूँ। पोलो में आए हैं आप? आपने पोलो को लिए हुए कितना टाइम हो गया? 7 साल। 7 साल, अराउंड 7 साल में आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है? 70,000 किलोमीटर। 70,000 किलोमीटर। टेल मी ट्रूली, आपको मुझे सच में ये बताना है कि जो गाड़ी आपने जब नई ली थी और जो गाड़ी आज आप चला रहे हैं, क्या दोनों की परफॉर्मेंस सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी गाड़ी काफ़ी वाइब्रेट करती है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अलग है, मतलब काफी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, स्मूथनेस तो नहीं है उतनी, और स्मूथनेस भी नहीं है। और ये हर इंजन के साथ होता है, ये आपके आप अकेले नहीं हो जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम हर गाड़ी के साथ होती है। मेरी होंडा सिटी में भी होता है। हाँ, आपकी चाहे बाइक हो चाहे आपको कोई भी व्हीकल, एक सर्टन टाइम के बाद वो परफॉर्मेंस नहीं देता है जो वो अभी दे रहा है। हम इससे हमारी उस मशीन का क्या ताल्लुक है सर? हम इसी चीज का, ये एक प्रॉब्लम है और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके साथ हम लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। आपको पता ही नहीं है कि आपकी गाड़ी परफॉर्मेंस क्यों डाउन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी गाड़ी डाउन चल रही है, अब पिकअप भी कम है उसमें और वाइब्रेट करती है, आपका इसमें क्या माइंडसेट है कि ये कब तक रहेगी? मुझे लगता है कि गाड़ी तो पुरानी हो जाती तो खराब होनी होती है, ये तो नेचुरल है। आप इस बात को मानते हैं? और लेकिन हाँ, उससे कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है फ्यूल का। अब बढ़ गया ना, पहले से अब बढ़ गया। और मैं अपने दर्शकों को भी ये बात बताऊंगा, हमारे पास जब भी ये प्रॉब्लम आती है तो हम इसमें यही चीज सोचते हैं कि अब गाड़ी को लंबे टाइम तक चला लिया, 1-1.5 लाख के बाद हम इसका इंजन करा लेंगे, इंजन को फिर से साफ, इंजन नया बन जाएगा, उसके बाद गाड़ी को फिर 1-2 लाख चलाएंगे, फिर इंजन हो जाएगा। ये थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल है, मैं इसमें कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि 70,000 किलोमीटर पे तो नहीं मैकेनिक बता रहा है कि अभी इंजन बोले, लेकिन पर जा करके करना पड़ेगा शायद, क्योंकि 1.5-2 लाख पे जाकर के गाड़ी दम तोड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ गाड़ियां 3-4 लाख, मतलब एक टाइम है, इसको हम क्योर नहीं कर रहे हैं, एक समस्या है जिसे हम अवॉइड कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। सर मैं आपको पहले बताना चाहूंगा ये समस्या होती किस वजह से है। नहीं, मेरे घर में एक BMW है, उसका इंजन खुला और 1.5 लाख रुपए खर्च किया सिर्फ इंजन को मेंटेन करने के लिए। सर बहुत बढ़िया बात आपने बोली है, इन्हीं बातों से पता लग जाएगा कि आपकी मार्केट कितनी बड़ी है और आप किस तरीके से इसको इजीली कर सकते हैं। आपने जो भी यही बात बोली है, सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी गाड़ी एक सर्टन टाइम के बाद परफॉर्मेंस डाउन करती है, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताएंगे, इंजन जो गाड़ी के अंदर होता है, इंजन के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो कि पूरे इंजन को खराब करती है जी, जो कि कैंसर का काम करती है इंजन के लिए, वो क्या होता है? आई थिंक कार्बन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आपने जो बात, कार्बन तो आ ही जाता है, कार्बन तो आ ही जाता है, लेकिन कार्बन आता कहाँ से है? कार्बन आता है हमारे फ्यूल से, और कार्बन एक ऐसी चीज है जिसको हम आने से रोक नहीं सकते, बिकॉज जो आप फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, वो इंजन में आएगा तो इंजन के अंदर अगर आप फ्यूल को डालोगे वो पावर जनरेट करेगा, तो पावर के साथ वो साथ में कार्बन भी जनरेट करता है, और कार्बन को निकालने का फिर साइलेंसर के थ्रू वो निकलता रहता है। अब वो चीज़ हर गाड़ी में होती है, लेकिन वो जो कार्बन बाहर निकल रहा है वो धीरे धीरे करके इंजन के अंदर भी स्टोर होता है। अच्छा, थोड़ा बहुत रह जाता है, रेमनेंट रह जाता है, वन टाइम में नहीं होता, वो धीरे धीरे करके स्टोर होना शुरू होता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन आना शुरू हो जाती है। कैसे पता लगता है, क्या सिम्टम्स होते हैं? सर सिम्टम्स वही है, सबसे पहले आपकी गाड़ी पिकअप नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? बिकॉज कार्बन जब इंजन के अंदर रहना शुरू करता है तो वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल को इफेक्ट करता है। हर इंजन का एक रेशियो होता है, ऑक्सीजन का भी और फ्यूल रेशियो सबकी चलती है, फॉर एग्जांपल 14:1, 11:1, ये हर जगह होता है, ये एक रेशियो चलती है। अगर आप इस रेशियो को डिस्टर्ब कर दोगे, बिकॉज कार्बन आ गया तो इंजन जो है, आपने देखा होगा एयर फिल्टर के आगे
कभी भी आप देखोगे वो हवा को सक करता है, सक करता है, वो खींचता है, उसी का टर्बो भी लगा हुआ है, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए टेक्नोलॉजीज, इंजन के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो सारी चीजें टेक्नोलॉजी हर दिन इंप्रूव करती है। एब्सोल्युटली। अब वो क्या होता है, कंबशन चैम्बर में जो कार्बन आ जाता है वो धीरे धीरे करके स्टोर करता है, तो स्टोर होने के बाद क्या है कि वो इंजन में रहेगा, रुकेगा तो जो सक जो करती है ऑक्सीजन जो होता है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल को इफेक्ट करता है। तो यानी कि आपकी जो मशीन है वो बिना इंजन खोले इस कार्बन को बाहर निकाल देगी। बहुत तेज एडवांस हो सर आप मुझसे एक स्टेप। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, हमारी जो मशीन है वो बिना इंजन को खोले इंजन के पूरे कार्बन को क्लीन कर देगी। बेसिकली हमारी मशीन का काम क्या, हमारी मशीन हाइड्रोजन गैस बनाती है उसमें एज ए फ्यूल। अगर हमारी मशीन में आप बात करोगे तो पानी का इस्तेमाल होता है, सिर्फ पानी, सिर्फ पानी, पानी को हम लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसे होस पाइप जो होता है जहां से ऑक्सीजन अंदर आती है वहां से हम ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को इंजन में इंटेक डालते हैं उसका। उसके बाद वो 30 मिनट तक चलता है प्रोसेस, धीरे धीरे करके हाइड्रोजन कार्बन को जला के धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं धीरे धीरे करके, 30 मिनट का प्रोसेस इसीलिए, धीरे धीरे करके साइलेंसर के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो संजय जी आपने कहा कि कार्बन जो है साइलेंसर के मार्फत बाहर निकल गया, तो इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो रही है? सर बेसिकली जो ऑक्सीजन लेवल जो बढ़ा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा तो फ्यूल पूरा बर्न होगा, फ्यूल पूरा बर्न होगा तो गाड़ी पिकअप देगी। आपने इंजन को क्लीन कर दिया, जो आपने बताया था कि आपकी पोलो के अंदर भी साउंड की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नोकिंग जो चीजें हो रही हैं, जो BMW का इंजन खोला वो इसी कार्बन को फ्लश आउट करने के लिए खोला, फ्लश आउट करने, अगर आप टाइम टू टाइम इसे फ्लश करते रहेंगे, अगर कार्बन स्टे ही नहीं करेगा तो खराब क्या होगा। अच्छा, वेरी नाइस। अब मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि ये तो जबरदस्त गजब की मशीन है, बिना इंजन को खोले आप कार्बन फ्लश आउट कर रहे हैं, तो ये कितने रुपए की रोज की इनकम उनकी हो जाएगी अगर वो ये मशीन लगाते हैं तो? सर देखिए, अगर आप, मैं थोड़ा सा इस पर ये बात करना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिशनल वे पर जाते हो, अगर आप अपने इंजन को साफ कराते हो, तो पहली बात आपको इंजन खुलवाना पड़ता है, जो कि हर क्लाइंट के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंजन खुलने से गाड़ी की वैल्यू डाउन हो जाती है, वैल्यू डाउन हो जाती है। अगर आप इंजन खुलवाते हो तो आपका 3 दिन का टाइम लगता है उसको दोबारा साफ करके बांधने के लिए, और करीबन 18 से 20 हज़ार, मैं नॉर्मल टू नॉर्मल लेबर आपको बता रहा हूँ कि 18 से 20 हज़ार रुपये की लेबर जो है वो आपको नॉर्मल गाड़ियों में लग जाती है, वो तो नॉर्मल गाड़ियों में आपको लगी लग जाती है। लेकिन अगर आप हमारी मशीन के थ्रू अगर आप करते हैं, पहली बात आपको इंजन खोलने की जरूरत नहीं है, आप बिना इंजन खोले आप साफ कर रहे हो तो उसकी गाड़ी की वैल्यू सेम एज इज यूं की यूं है। सेकंड चीज जो आप कर रहे हैं वो ये है कि जो उसके 18 से 20 हज़ार रुपये लगने थे, तो नॉर्मल मैं बात करूँ तो 2 से 2.5 हज़ार रुपये, 1000 cc की गाड़ी को हम 2 से 2.5 हज़ार रुपये के अंदर क्लीन कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू cc प्राइस डिफरेंट डिफरेंट है, 3500 रुपए भी लगते हैं, 4000 रुपए भी लगते हैं, बड़ी गाड़ियों के 5-5, 10-10 हज़ार रुपए भी लगते हैं। जितना बड़ा इंजन होगा उतना ज्यादा आपको मार्जिन भी मिलेगा और आपका टाइम कंज्यूम भी होता है, आपको स्किल्स भी वहां पर यूज़ मतलब आप कह रहे हैं कि 3000 रुपए से लेके वो 8-10 हज़ार रुपए तक भी हो सकता है। और कितना टाइम लगता है इस सब प्रोसेस में? सर वही 30 मिनट 40 मिनट, 1 आवर मैक्सिमम। मतलब 30-40 मिनट में आप 3000 से लेके 8-10 हज़ार रुपए कमा सकते हैं? बिल्कुल सर। और वो एक मशीन से, और उसमें उनका कोई खर्चा नहीं, सिर्फ पानी का खर्चा है और बिजली का खर्चा होगा। हाँ बिल्कुल सर, वो देखो वो उनकी अपनी कॉस्टिंग हो जाती है। हाँ, क्योंकि वो आप ये मशीन कहाँ रखेंगे, वो शॉप में रखेंगे या कैसे करेंगे? ये मशीन वो शॉप में रख सकते हैं। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये लग रहा है, पर मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा ये बेहतर रहेगा कि मैं आपको उस मशीन का डेमो दिखाऊं कि मशीन कैसे फिट होती है, कहाँ रखी जाती है और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो संजय जी मैं रिक्वेस्ट कर लूँ आपसे कि आप ये मशीन का डेमो दे दें आप पहले। सर बिल्कुल, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, आप हमारे साथ वर्कशॉप में चलिए जहाँ पर हमने लगाया हुआ है। दोस्तों बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, इसके बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कितने रुपये में ये मशीन आने वाली है और इसके साथ साथ और क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ, बिल्कुल स्टे ट्यून्ड। शैलेश जी मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी वर्कशॉप द ऑटो क्रश के अंदर। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर मैं आपको अपनी मशीन से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। शैलेश जी ये हमारी मशीन है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, यहाँ से आपको पानी डालना होता है, जो वाटर टैंक है इसका 25 लीटर के करीब का, आप इसमें वाटर फिल करेंगे, वो 25 लीटर पानी करीबन 100 के करीब गाड़ियाँ निकाल देता है। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा वोल्ट दिया हुआ हमने कि आपकी मशीन में कितने वोल्ट आ रहे हैं, नीचे एम्पेयर दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू cc एम्पेयर के हिसाब से मशीन चलती है। इधर साइड में आपका टाइमर लगा हुआ है, 30 मिनट्स 40 मिनट्स, जितना भी गाड़ी के हिसाब से जो आप कर रहे हैं। ऑटोमेटिक मशीन जब काम हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये हमारा इमरजेंसी बटन है, जो कि कोई ऐसी कोई दिक्कत होती है तो इमरजेंसी स्टॉप के लिए, ये ऑन ऑफ का है। पीछे की तरफ हमने इसमें एयर कूलेंट लगाया हुआ है, फैंस लगे हुए हैं कूलिंग सिस्टम के लिए। और ये हमारा सामने है बबलर, जिसमें आपको गैस का आउटपुट दिखता रहता है, किस तरीके से कितनी गैस
आ रही है और ये एक तरह का फीचर सेफ्टी डिवाइस की तरह भी काम करता है। ये हमारी मशीन है। आइए अब मैं आपको हमारे साथी सिद्धार्थ कपूर जी से मिलवाता हूँ। शैलेश जी, अभी मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे सिद्धार्थ कपूर से जी, तो देश के जाने माने ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक्सपर्ट हैं। ये 30 साल से ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, 15 साल करीबन ये विदेश में पढ़ा के आ चुके हैं और 750 से ज़्यादा जो फॉरनर्स हैं, जो गोरे लोग हैं, उनको टेक्नीशियन बना चुके हैं। सिद्धार्थ स्वागत है सर। थैंक यू। यही आपको मशीन के बारे में जो आगे का डेमो है, जो प्रोसेस है, किस तरीके से कितना क्या गाड़ी में इफेक्ट आता है, कैसे क्या मशीन काम करती है, ये सारा आपको एक्सप्लेन करेंगे। वेरी नाइस। शैलेश जी, मैं आपको इस मशीन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बेसिकली क्या है कि हमारा फ्यूल होता है या पेट्रोल या डीजल होता है, उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और कार्बन ऐसी चीज़ है जो पोल्यूशन क्रिएट करती है। अगर आप देखेंगे तो कोई भी कहेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पार्टिकल्स के ही पोल्यूशन के बारे में बात होती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस मशीन से प्योर हाइड्रोजन निकालते हैं। तो अगर हाइड्रोजन हम इस इंजन के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो अपने आप इसके अंदर जो कार्बन जमा हुआ है वो उसको निकाल लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को चाहिए कि कार्बन के साथ में अपना पूरा केमिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट करे। तो हम इस मशीन को लगाते ही ये हाइड्रोजन इंजेक्ट होगा, साथ ही साथ में हवा इंजेक्ट होगी, जिसकी वजह से ये आगे जाके अंदर का जो कार्बन उसको चुरा के निकाल लेगा और इसके अंदर से कार्बन की मात्रा कम हो जाएगी। हाँ जी, अब आप ऐसे दिखाते हैं आपको कि इस मशीन को कैसे कनेक्ट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, इसका एयर फिल्टर खोलेंगे और एयर फिल्टर खोलने के बाद इस मशीन को मैं इसको कनेक्ट करूँगा, कनेक्ट करने के बाद इसको ऑन करूँगा। तो अब ये देखते हैं कैसे करते हैं, स्टार्ट करना है। अभी मैंने इस इंजन के इंजन को स्टार्ट कर दिया है और उसका एयर फिल्टर निकाल दिया है। इसका एयर इनलेट यहाँ से है जहाँ पे हम इस पाइप को डालेंगे। हमारे पास एक पाइप है जिसके साथ में अडैप्टर है, हम इसके अंदर डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, जिससे ये गैस सक्शन के थ्रू अंदर चला जाएगा। अब इस मशीन को हम ऑन करते हैं। यहाँ मशीन हम ऑन करते ही ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एम्पियर्स दिखाएगा, जितनों हमने प्री सेट कर रखा है, जिसके बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जो गैस है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर प्री सेट है, वो चली जाएगी। यहाँ हम उसको ऑन कर रहे हैं। अब ये गैस यहाँ जाने शुरू होगी और पहले आप क्या देखेंगे, ये गैस का हमने यहाँ पाइप लगा दिया, हवा भी ले रहा है साथ में गैस को भी ले रहा है, जिसकी वजह से बर्निंग होगी। अब यहाँ देख सकते हैं इस बॉटल के अंदर कि बबल्स बन रहे हैं। ये बबल्स दिखाता है कि हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल रही है और सिस्टम में जा रहा है अंदर। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि हमने एक स्कैन टूल लगाया है। इस स्कैन टूल को लगाने से हम ये चेक कर सकते हैं कि इंजन के इस टाइम क्या लोड चल रहा है। इस टाइम 52.94% लोड आ रहा है इंजन पे। अब देखते हैं थोड़ी देर के बाद में कि ये लोड में कितना फ़र्क पड़ता है। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पहले वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ है। 30 मिनट गुजर चुके हैं, 30 मिनट का इसका जो टाइम था वो पूरा हो चुका है और हमने अब इंजन को स्टार्ट रखा है। गैस इसके अंदर पूरी चली गई है, अंदर से वो कार्बन घुला चुका है। अब आप देख सकते हैं हमारा कैलकुलेटेड लोड भी गिर चुका है, तो अप्रॉक्सीमेटली 34.12% के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है, पहले से काफ़ी कम हो गया है और गाड़ी की हेल्थ जो है वो अच्छी बता रही है। अब इस गाड़ी को हम क्या करेंगे, गाड़ी को लेके चलेंगे एक ड्राइव पे, क्योंकि हमें जो घुला हुआ कार्बन है उसको निकालना है। तो हम इसको सेकंड थर्ड गियर में थोड़े डिस्टेंस के लिए 4-5 किलोमीटर तक चलाएंगे इसको, ताकि वो जो अंदर कार्बन घुला हुआ है वो कार्बन पूरी तरह से निकल जाए और उसके बाद हम गाड़ी जब चलाएंगे तो गाड़ी इसकी खुलती चली जाएगी और साथ ही साथ में इसकी एवरेज, इसकी पावर और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। इससे आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी हमने जो डिटॉक्स किया है उसकी क्या वैल्यू हमें मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ऐसे करते हैं, इस गाड़ी को चलाते हैं कम से कम 4-5 किलोमीटर, पर हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम गाड़ी को सेकंड और थर्ड गियर में चलाएं, ताकि उस पर थोड़ा इंजन पर लोड रहे, ताकि जितना भी कार्बन है वो घुल के निकल जाए। अब हम चलते हैं इस रोड पर और आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम गाड़ी को पहले गियर पर उठा रहा हूँ, पर हमने RPM को बहुत ज़्यादा नहीं देना है। मेन हमारा ये है कि RPM हम लोअर गियर से मेंटेन रखें, ताकि जो कार्बन है वो जो घुल चुका है पूरी तरह से निकल सके।
अभी मेरे को फील होना शुरू हो गया कि इंजन जो है खुल रहा है, उसकी पावर बढ़ रही है, ये कम एक्सेलेटर में ही गाड़ी पिकअप दिखा रही है। अब आप देख सकते हैं हम अपनी वर्कशॉप में वापस पहुंच रहे हैं और हमने वो किलोमीटर्स पूरे कर लिए हैं। अब गाड़ी के अंदर जाके देखेंगे कि इसके टेल पाइप में से क्या निकलता है, इससे क्लियर हो जाएगा कि इसका डिटॉक्स कंप्लीट हुआ कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि हम ड्राइव करके आ गए वापस और अभी टेल पाइप में से कुछ भी नहीं निकल रहा, हम रेस भी दे रहे हैं, इससे क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर कोई कार्बन नहीं बचा है और सिस्टम जो है बिल्कुल हेल्दी हो गया। दोस्तों सिद्धार्थ जी ने जैसा कि अभी आपको पूरा का पूरा सारा समझा दिया कैसे मशीन काम करती है, किस तरीके से पूरा होता है सारा का सारा हमारा प्रोसेस, अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको और चाहिए या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमारे हाइड्रोटेक के ऑफिस मुरादाबाद भी विजिट कर सकते हैं। वीजीटेक के ऑफिस हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव के अंदर है, आप उसमें 726 जेएमडी मेगा पॉलिश गुरुग्राम हरियाणा पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप विजिट नहीं कर सकते उसके अलावा अगर आपको कोई व्हाट्सएप करना है या फिर आप वीडियो कॉल वगैरह करना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर 7988266620 पर कॉल कर सकते हैं, या हमारा दूसरा जो नंबर है 9897220451 पर आप कॉल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि संजय जी और उनके साथी ने कितना बेहतरीन तरीके से आपको मशीन का डेमो दिया। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही कॉम्पैक्ट छोटी सी मशीन है जिसको आप एक छोटी सी वर्कशॉप में रख सकते हैं, कार में फिट कर सकते हैं और मोबाइल रह के भी आप काम कर सकते हैं। अगर क्लाइंट चाहता है कि आप उनके घर पे वो सर्विस दें तो आप उनको घर पे सर्विस दे सकते हैं और इससे आप एडिशनल चार्जेस भी लगा के उनसे अपनी फीस ले सकते हैं। ऐसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला बिज़नेस जो है वो हर कोई करता नहीं है और ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो हर व्यक्ति की ज़रूरत है। जो आदमी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, बाइक है, कार है, ट्रक है, ये सारी चीज़ें आप इस मशीन से कर सकते हैं। इसके बारे में मैं और जानकारी ले लेता हूं। तो संजय जी मेरे दोस्तों के लिए बताइए, इससे पहले मैं उसका प्राइस पूछूं आपसे, ये बताइए कि कौन कौन से व्हीकल्स हैं जो पूरी तरह से आपकी मशीनें सर्व करती हैं, कैटर करती हैं। सर हर तरह का, मैंने आपको बोला जितने भी रनिंग इंजनस हैं, जितने भी रनिंग इंजन है, आपको वो जेनसेट हो सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हो सकती हैं जो पेट्रोल डीजल एलपीजी सीएनजी पीएनजी से चलते हैं, उन सबको हम क्लीन कर सकते हैं। वेरी नाइस, मतलब सिर्फ ये व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स ही नहीं है, सर ये तो स्टेशनरी जेनसेट जैसे और मशीनें भी हैं। जहाँ पर इंजन वर्ड आ जाते हैं वो हर चीज़ आपके काम की है। वेरी नाइस, और कई तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होंगी तो उसके लिए बड़ी कैपेसिटी की भी मशीन चाहिए होंगी। हाँ, आपके केस की कौन कौन सी कैपेसिटी की मशीन है? हमारी मशीन अलग अलग कैपेसिटी के अंदर है, हमारी 4000 सीसी के अंदर भी है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिमांड बड़ी भी है, हम कमर्शियल मशीन भी बनाते हैं। सर आपको मैं थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा। 2013 से हाइड्रोटेक ने जो प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया, ठीक है, 2013 से हम मार्केट के अंदर स्टेब्लिश है, हम हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। आज हमारे मोर देन 1000+ सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया रनिंग के अंदर है, जिसमें आपके जितनी भी बड़ी सिटीज हैं सब हैं। आज के टाइम में प्राउडली ये बात बोल सकता हूँ कि हम 11 कंट्रीज में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस, जिसमें आकर आप बड़ी कंट्रीज की बात करें, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, साउथ अफ्रीका और बहुत सारी कंपनियां। अगर मैं सऊदी अरब, कुवैत और ओमान की बात करूं तो आप ये देख लीजिए गल्फ कंट्रीज के अंदर गाड़ियों का स्टैंडर्ड क्या है, बहुत हाई है, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो प्रीमियम कार्स हैं, प्रीमियम कार्स है वहाँ पर। तो मैं आपको बताऊँ, जो हमने प्रोडक्ट क्वालिटी जो हमने बनाई है वो अपने इसी तरीके से बनाई है। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम अपने क्लाइंट्स को जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको आफ्टर सेल सर्विस हम अच्छे दें। इसी वजह से हमें करीबन 5 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग का, बस यंग अचीवर्स का, ठीक है, काफ़ी अवार्ड्स हैं सर जो हमने अपने बलबूते पर लिए हैं। वेरी नाइस, और आज के दिन हमारे साथ हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं। अगर आज आप इंडिया के अंदर बात करें तो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में हम डील कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, 1000 से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर्स हमारे साथ हैं जिनको हम आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हैं। सर बेसिकली हम काम कर रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी के अंदर। तो सर मैं यही कहने वाला हूँ कि हाइड्रोजन बेस्ड जो भी टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। पिछले 25-30 सालों से तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट और R&D जो करते हैं वो कंपनियाँ, लेकिन सक्सेस अभी बहुत
पिछले कुछ सालों में तेज़ी से मिलना शुरू हुई है, और मैं समझता हूँ कि अगर भारत में मेक इन इंडिया कोई कंपनी कर रही है और ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमारे दूसरे देश भी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आपको बहुत ना सिर्फ प्राउड वाली बात है, गौरवान्वित होने की वाली बात है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने देश में रह के और ज़्यादा इस तरह की क्लीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें तो हमारे जो पर्यावरण है, जो ऑटोमोबाइल से पॉल्यूशन होता है या जो दूसरी फैक्ट्रियों से पॉल्यूशन होता है, उसको भी हम काफ़ी हद तक बचा पाएंगे, क्योंकि फ्यूल का कंजम्पशन अपने आप में एक पॉल्यूशन का कारण है, तो उसको भी हम कम कर पाएंगे और वैसे भी हम पॉल्यूशन कम कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहले तो, पर मेरे दोस्तों के लिए बताइए संजय जी कि अगर वो ये मशीन आपसे ख़रीदते हैं तो उनको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मेरे दोस्त ज़रूरी नहीं है उनके पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट को लाखों करोड़ों रुपये हों। सर देखिए, हम भी यहीं से हैं, हम भी भारतीय हैं, और हमें पता है कि हमारा आज के दिन जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कितनी क्रिएट होती हैं या कितने लोग जॉब कर पाते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमने इस चीज़ को ध्यान में रख करके इस प्रोडक्ट को क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए बहुत लो इन्वेस्टमेंट के साथ हमने अपना बिजनेस शुरू किया है। अब मुझे कोई भी एक ऐसा बिजनेस बता दीजिए, हमारी मशीन 2.5 लाख से शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक है, 2.5 लाख से हमारी मशीन शुरू होती है। कोई भी ऐसा बिजनेस बता दीजिए जो 2.5 लाख से शुरू होकर के आपको लाखों तक लेकर के जाए। दूसरी बात, जो मार्केटिंग की आपने बात की है, तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी हेल्प करते हैं। अगर आप हमारे साथ, आप वो चाहते हैं कि कंपनी आपके डिजिटल मार्केटिंग करे, आपको प्रमोशन दे साथ में या वो चीज़ें, तो उसके लिए भी हमने अलग से पूरा सब कुछ बना रखा है, एक पैकेज बना रखा है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो होती है वो पेड होती है, वो फ्री नहीं होती है, वो भी हम अपने क्लाइंट को पूरी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है कि इसमें इस तरीके से इन चीज़ों को आप इस तरीके से कीजिए। हमारी कंपनी एज ए बिजनेस डेवलपर काम करती है, आपको कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट देना है, जैसे दर्शक है या हमारा कोई भाई ऐसा है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाके बात कर सकता है, तो उसका प्रोजेक्ट बना करके देना उसे, कोई अगर किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए कोई प्रेजेंटेशन में, तो कंपनी हमेशा उसके साथ रहती है। वेरी नाइस, मतलब मार्केटिंग में भी हेल्प करते हैं, प्रमोशन में भी हेल्प करते हैं आप, तो एक तरह से कंप्लीट होलिस्टिक सॉल्यूशन है। पर अब मशीन तो मशीन है संजय जी, इतना इन्वेस्टमेंट किया मान लीजिए 2.5 लाख, क्योंकि मेरे दोस्तों की तो एक एक पाई बड़ी कीमती है, बिल्कुल अगर 2.5 लाख भी उन्होंने लगाया है, और फर्ज करिए कि वो मशीन कल को खराब हो जाती है तो कोई गारंटी वारंटी रिपेयर? 2 साल की हम गारंटी देते हैं, 6 ईयर की AMC पर हम वारंटी देते हैं, तो करीबन 8 साल के अंदर आपका वारंटी पीरियड आपका आ जाता है, तो उसमें डोर स्टेप हम सर्विस देते हैं, आपको कहीं मशीन लेके जाने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी आपने मशीन परचेज की है वहीं पर आपको सर्विस मिलेगी, वहीं पर आपकी मशीन आपको ठीक की जाएगी आपकी। देखो इक्विपमेंट है, ख़राब होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट को जो आफ्टर सेल सर्विस है उस चीज़ में किसी चीज़ की कमी ना आने दे। जी, अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं संजय जी, मेरा आखिर में आपसे ये सवाल है कि कोई डाउन साउथ केरला में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई राजस्थान यूपी में, बहुत सारे हमारे हैं, और नेपाल भूटान, मतलब मैं आपसे बात करूं कि हमारे वीडियोस देख के लोग दुबई तक में मशीनें मंगाते हैं, तो आप कहाँ कहाँ डिलीवर कर पाएंगे? सर ऑल ओवर वर्ल्ड, आप मुझे कहीं भी मांग लीजिए। एक्सपोर्ट लाइसेंस है आपके पास? सर बिल्कुल है हमारे पास, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी कोने, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह सर आप कहीं भी मंगा सकते हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, यहीं पे मुझे विराम देना होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप संजय जी की मार्केटिंग टीम को कॉल कर सकते हैं। आखिर में संजय जी, अगर मेरे दोस्त जो विजिट करना चाहते हैं, आप जल्दी से अपना एड्रेस और फोन नंबर बता दीजिए। पहले एड्रेस है 726, यूनिट नंबर जो है 726 JMD मेगापोलिस सोना रोड गुरुग्राम हरियाणा। मेरा मोबाइल नंबर है 7988266620। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हाइड्रोटेक का जो एड्रेस है वो है गांधीनगर मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9897220451। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको बिजनेस करना है तो एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विजिट करें, चाहे आप कॉरपोरेट ऑफिस विजिट करें। मैं जहाँ कॉरपोरेट ऑफिस में बैठा हूँ वहाँ पे पहुँचना बहुत आसान है, सोना रोड पे गुड़गांव में हर व्यक्ति जानता है। तो मैं समझता हूँ JMD मेगापोलिस में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो सेल्स और मार्केटिंग टीम है वो आपके हर सवाल का जवाब दे पाएगी। फिर भी अगर आप नहीं आ सकते हैं तो संजय जी ने जो नंबर्स आपको दिए हैं आप ज़रूर उन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करिए। आप इस समय तक हमारे साथ बने हुए हैं इसका मतलब है कि आपको इस बिज़नेस में बहुत इंटरेस्ट है। पर फिर भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप बिज़नेस कैसे करें को इतना सराह रहे हैं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी जो आपने मुझे इतना वक्त दिया, धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं बिज़नेस कैसे करें का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए, देखते रहिए यूट्यूब पर बिज़नेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।